Hello students, so now we are going to start with the second exercise for the chapter, that is 13th exercise. So here it is said that a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both the radii being equal to 1 cm and height of the cone is equal to the radius. Find the volume of solid in terms of pi. You have to find the volume of solid in terms of pi. Okay? So ye hame karna hai. So what it is said that jo given hai. अब गिवन क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मतलब एच कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है कोन और उसका, हमें फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड दी वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई, वी नीड टू फाइंड दी वॉल्यूम. ओके, सो विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, अभी यहाँ पे क्या दो शेप्स है, एक तो हेमिस्फीयर है एक तो कोन है. तुम क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड बोथ द वैल्यू टुगेदर और यू कैन फाइंड द सेपरेट सेपरेट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉलिड. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर कोन लिखेंगे हम. नाउ so for cone, what is volume of cone? What is volume of cone? Volume of cone is nothing but 1/3 pi r square into h. Okay, 1/3 pi r square h. 1/3 in terms of pi che, to pi as it is, but it is radius 1, so 1 ka square 1 hi hoga and height is 1, so again 1. So it is nothing but pi by 3. This is the volume of cone. ये हमें क्या मिल गया, volume of cone. इसको 1 लिख लेते हैं. Next what we required is for, next is what we required is for hemisphere. So for hemisphere, for what is, for hemisphere what is volume of hemisphere? Volume of hemisphere. So what is the volume of hemisphere? It is nothing but it is going to be half of a, what it is? It is half of sphere, and sphere का कितना होता था 4/3 pi r cube. तो इसका कितना होगा 2/3 pi r cube, correct? So it is going to be 2/3 pi r cube. Okay? So pi 2/3 as it is, pi as it is, or r 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा. सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 2/3 ओनली. देयरफॉर इसको 2 दे दो. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, सॉरी हेमिस्फीयर इट इज, volume of cone, correct? Now what is volume of hemisphere? It is 2/3 pi, so 2/3 pi plus pi by 3, so it becomes 3/3 pi, which is ultimately equals to pi. So this is the volume of the volume of the cone, that is nothing but the pi kya centimeter cube. Agar ye nahi daloge to tumko exam mein answer मार्क्स थोड़े कट जाएंगे तुम्हारे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज सेड रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जस्ट लाइक मी वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच एट दी टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट. डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model are nearly to be same. Okay, तो अभी क्या बोला उन्होंने कि रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला था जो कि कैसे दिखता है. इट हैज अ मॉडल
शेप लाइक सिलेंडर विद टू कोन अटैच ऑन द टू एंड्स, मतलब एक सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर एक कोन अटैच है और सिलेंडर के नीचे एक कोन अटैच है, ठीक है, वैसा बोला गया। और पूरा टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना बोला है, रेडियस नहीं बोला पर डायमीटर बोला है 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके सो दैट मीन्स ये टोटल हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर की है, कोन की हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर की है और डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5, करेक्ट। सो व्हाट इज गिवन, तो गिवन में क्या हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके 1.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके ये दिया हुआ है हमको। नाउ अगर हम तुम फिगर को डिवाइड कर लो, इफ यू डिवाइड द फिगर व्हाट यू कैन सी इज दिस इज अ कोन, दिस इज अ सिलेंडर एंड इधर एक कोन है, तो कोन सिलेंडर कोन, तो तुमको इन शॉर्ट क्या करना है, दोनों कोन सेम है, सो एक का वॉल्यूम निकालो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, दोनों कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा एंड सेपरेटली फाइंड द वॉल्यूम फॉर दिस सिलेंडर। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया तो एड जस्ट कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया, दी टोटल एयर जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, गेटिंग। सो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दी दिस व्हाटएवर द व्हाट इज दिस वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, हमें मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है, करेक्ट। नाउ द सॉल्यूशन, नाउ सो व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कोन, सो व्हाट विल डू फॉर विल सॉल्व फॉर कोन, वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर कोन। सो फॉर कोन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स इक्वल टू 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके सो 2 × 1/3 इंटू व्हाट इज पाई, पाई एज इट इज, व्हाट इज रेडियस 1 it is 3/2, 1.5 मतलब 3/2 बराबर, सो रेडियस 3/2 × 3/2 इंटू हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर अगेन। ओके सो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो इट इज नथिंग बट क्या बच रहा है यहाँ पे, कुछ बच रहा है क्या, लेट सी, सिर्फ ये 3 और ये पाई, सो इट इज 3π cm³। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बोथ कोन्स। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज आई विल मेक अ लाइन ओवर हियर, तो बाजू बाजू में रहेगा तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। फॉर सिलेंडर, बट बिफोर फाइंडिंग फॉर सिलेंडर हमें ये करना है कि सम स्टार्ट करने के पहले यहां पे मैं भूल गया लिखना, ये तुम लिख देना क्या, दैट इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, दिस शुड बी द फर्स्ट बिफोर यू डू एनीथिंग फॉर दिस सम। सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट 12 - 2 टाइम्स हाइट ऑफ कोन, करेक्ट। सो दैट इज 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट। सो फॉर सिलेंडर व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, एच बोलो एल लिखो, दैट इज सेम ओनली द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो पाई की वैल्यू, रेडियस इज 1.5 दैट इज 3/2 × 3/2 इंटू एच, एच इज हाउ मच 8, सो 2 × 4 = 4, 1 × 4 = 2, करेक्ट। सो इट इज नथिंग बट 3 × 9 = 18π, इट इज नथिंग बट इट इज 18π। नाउ वॉल्यूम ऑफ, इसको हम 1 लिख लेंगे, इसको 2 लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, सो वॉल्यूम मेरे पास स्पेस नहीं था इसके लिए मैं बाजू बाजू में लिखा है, बट यू हैव टू डू इट
below, below, below. Or you can just write it this way, volume of model equals to volume of cones plus volume of cylinder. Okay, so what is volume of cone? It is 3 pi, and what is volume of cylinder? It is nothing but 18 pi. So it is 21 into 22 by 7. 21 into 22 by 7. So it is nothing but 7 ones are 7, 3s are, and 22 3s are is 66. So it is 66 centimeter cube volume of model. Volume of model. Model नहीं, model होता है. Volume of model is 66 centimeter cube. Okay. So next, moving on, next sum. Now, it is said a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm. Okay, तो उन्होंने क्या बोला है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में सिरप कंटेंट कितना हो रहा है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब अगर मेरा सपोज गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 10 cm³. ओके, सो उसका 30% क्या है, सिरप है, तो उसमें जो 30% है दैट इज सिरप, तो सिरप का क्वांटिटी कितना उसमें, 3 cm³. ओके, 3 cm³. सो टोटल 45 गुलाब जामुन है, टोटल कितना 45 गुलाब जामुन, तो ईच उसका कितना सिरप वो कंटेन करेगा, वो हमें वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए. यू हैव टू मेक विद पेंसिल एंड स्केल. सो हाउ द गुलाब जामुन इज गोइंग टू लुक लाइक इज, गुलाब जामुन है वो जो वो ऐसा दिखने वाला है, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ओके, जिसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो डायमीटर है, डायमीटर कितना ही है, ये वाला जो पार्ट है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, दिस डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो वैल्यू, इट इज नथिंग बट इट इज 5 cm, इट इज नथिंग बट 5 cm. अभी ये 5 cm हमें पता चल गया, तो हमें क्या करना है, हमें एक का वॉल्यूम निकालना है. सो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. So we'll directly start with the solution. Is आपने वो क्या दिया हुआ है, गुलाब जामुन, तुम्हारे सबके मुंह में पानी आ रहा रहेगा गुलाब जामुन का नाम सुनकर, करेक्ट? बट क्या कर सकते हैं, हमें पहले सम सॉल्व करना, बाद में जाकर तुम खा लेना. सो गुलाब जामुन कंटेन्स, गुलाब जामुन इज मेड ऑफ टू हेमिस्फीयर एंड वन सिलेंडर, करेक्ट? ओके, ये दिया हुआ है, करेक्ट? नाउ डायमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 2.8 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज गोइंग टू बी 1.4 सेंटीमीटर, करेक्ट? नाउ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट इज हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी टोटल 5, सो 2.4 माइनस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ, क्योंकि दो पार्ट है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. ओके, सो 5 माइनस 2 इंटू 1.4, दैट इज 2.8, सो 5 माइनस, इट इज गोइंग टू बी 2.2 सेंटीमीटर. ओके, इट इज गोइंग टू बी 2.2 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा,
इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस टू टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट, प्लस टू टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? टू इंटू टू बाय थ्री पाई आर क्यूब, करेक्ट, टू इंटू टू बाय थ्री पाई आर क्यूब. सो आई एम सॉल्विंग बिट हियर, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा. नाउ व्हाट इज पाई? पाई को पहले स्टार्टिंग में एज इट इज रखेंगे. रेडियस कितना है? रेडियस 1.4 है. सो 1.4 को लेट्स राइट 14 बाय 10 इंटू 14 बाय 10. एंड व्हाट इज हाइट? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 22. सो लेट्स राइट इट 22 बाय 10 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द फॉर्म आई हैव रिटन इट. ओके, नाउ ये हो गया अभी हाइट 2.2 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे. ओके, नाउ 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू पाई एज इट इज रखते हैं. रेडियस कितना है? सो इट इज ओनली 1/4, 3 टाइम्स लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता. ये पार्ट दिख रहा नहीं होगा तुम्हें, ये वाला पार्ट, तो हम थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं. नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज, अभी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना. सो इट इज गोइंग टू बी 22 बाय 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 22 अपॉन 1000 हो जाएगा ये, करेक्ट, प्लस 4 बाय 3 इंटू 22 बाय 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 1000. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज 7 वन टाइम्स, 7 टू टाइम्स, करेक्ट, अगेन 7 वन टाइम्स एंड 7 टू टाइम्स. इतना ही पार्ट है जो कैंसल आउट हो रहा है. नाउ अब ये सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने से बेटर हम क्या करेंगे? व्हाट यू कैन सी व्हाट आर द थिंग्स आर कॉमन? तो जो जो चीज़ें कॉमन है उसको बाहर हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. सो 22 दोनों में कॉमन है, सो इट इज गोइंग टू बी 22. ओके, 22 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं. और क्या कॉमन है? 1 14 कॉमन है, तो 1 14 अपन बाहर निकाल लेते अपॉन 1000. ओके, नाउ ये हो गया. अभी व्हाट एल्स? कुछ कॉमन बचा है? नहीं बचा, तो उनको क्या लिखेंगे हम? अंदर लिख देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 2 बाहर ले लिया, तो एक 22 बच रहा है अंदर. 22 प्लस व्हाट एल्स इज देयर इनसाइड? 2 हमने लिया, तो ये 4 इंटू 1 14 बचा अपॉन 3 बच गया. नाउ जस्ट सॉल्व ऑल दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 1000 इंटू 22 प्लस 56 बाय 3, करेक्ट, 22 इंटू 56 बाय 3. अब ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 28 बाय 1000 इंटू 66. 22 3 दाइज 66, सो 66 प्लस 56 अपॉन 3. ओके, नाउ व्हाट इज 22 इंटू 28? 22 इंटू 28 इज हाउ मच? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 22 इंटू 8 इज 176 कैरी 17. ओके, एंड 22 टू साइज 44, 44 प्लस 17 इज
61, so it is nothing but 616, correct? So 22 into 28 is 616. Multiply by, what is 66 into 56? 6 plus 6, 12. 6 plus 6 is 12. Carry 1. Again 6 plus 6, 5 plus 6 is, so it is going to be how much? 12. So it is going to be 122 by 3 by 1000. Now, no need to further simplify it, just stop over here. So this is the volume of one gulab jamun. This is the volume of one gulab jamun. What it is? Volume of one gulab jamun. अब हमें क्या करना है? 45 निकालना है. So we need to find the value for 45. Therefore, volume of 45 gulab jamun will be how much? It is going to be this value into 45. So that is going to be how much? 616 upon 1000 into 122 by 3 into 45. This is the 45 cost of 45 gulab jamun. Sorry, volume of 45 gulab jamun. So 3 ones are 3, 15 times. So it is going to be ultimately 616 into 22 into 15 upon 1000. This is the volume of the 45 gulab jamun. Now what we are supposed to find is the volume of syrup in 45 gulab jamun. It is going to be how much? It is nothing but 616 into 22 into 15 upon 1000 into, it is going to be how much? It is 30%, right? So it is 30 by 100, correct? So this is the, now we are supposed to solve this value. We are supposed to solve this value. So 616 into 22 into 15 3 is 45. So it is going to be 450 upon 1, 2, 3, 4, 5. This much value. Now you need to just 10 and 10 goes. So you need to multiply this value 616 into 22 into 45. Upon 6. Okay, so what we have done is now we need to solve this. So first of all, what we need to do is we need to check. I guess this was 122. So here, see, it was 122. We have taken just 120, only 22. So don't remember to check the numbers what you have written is correct. So yahan pe humne kuch kiya nahi tha to इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट तुम्हारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इफ यू सॉल्व दिस. ओके, सो नाउ यू नीड टू सॉल्व, यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स. खाली मल्टीप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट और कुछ ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू डू दिस. सो आई एम डूइंग विथ यू द सम्स दैट आर रिक्वायर्ड. साइड में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए.